हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो भाई आज है हमारे पास KTM RC125 जो कि 2023 मॉडल का है और इस वीडियो में फुल वॉकराउंड होने वाला है, फुल रिव्यू होने वाला है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर हैं और गाड़ी का प्राइस क्या है, माइलेज क्या है और गाड़ी कितना पावर है इसमें 125, क्योंकि पुरानी वाली से इसमें क्या क्या चेंजेस है वो सारी चीज़ इस वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहें, एक एक सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर करेंगे। उससे पहले अभी हम भूमि ऑटोमोबाइल गोल घर गोरखपुर में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के स्क्रीन पे आपको प्लेस हो रहा नंबर, आप यहां से कोई भी चीज़ें होगी तो आप यहां से बात कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, सारा चीज़ें आगे से स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये है KTM RC125, इसका है लुक। सबसे पहले आप लोग यहां से देखो, फ्रंट लुक मैं आप लोग को दिखाता हूं। ये देखो भाई, यहां पे हैलोजन लाइट मिल जाएगा। और इस 2023 में आपको क्या चेंजेस मिलेगा, 2022 वाले में क्या चेंज था, यहां पे विजिबल विंडशील्ड मिल रहा था, यहां पे विजिबल नहीं, थोड़ा सा स्मोकी आपको मिल रहा है। और ये जो है आपको मिरर 180 आपको एडजस्टर मिल जाएगा, पूरा यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेशन लाइट मिल जाएगा 3 स्टेप के साथ, और यहाँ पे भी RC आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और ये रही इसकी KTM की चाबी, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो। और आपको सिंगल चैनल आपको ABS मिल रहा है, तो जो है 328 mm इसका है फ्रंट का, और 280 mm इसका है रियर का, जो कि ये देखो। और आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का आपको फ्रिस मिल जाएगा। और टायर प्रोफाइल की बात करोगे तो वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखो टायर प्रोफाइल 150/60R 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाएंगे विथ ABS दोनों साइड में है, लेकिन सिंगल चैनल आपको मिल जाएगा। और ये है आपका लेफ्ट साइड से लुक, तो लेफ्ट साइड से देखो कुछ इस तरीके से दिख रही है। यहाँ पर आपको RC125 देखने को मिलेगा, बाकी ऑरेंज वाइट और ब्लैक कम्बिनेशन में आपको फुल ये मिलेगी। और आपको टैंक की बात करोगे तो भाई 13.7 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। और माइलेज की बात करोगे इस गाड़ी में आपको 40 से 45 का माइलेज मिल जाएगा। और आप लोग को मैं थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ इसका, पीछे से गाड़ी का लुक, पीछे से कुछ इस तरीके से। एक बार इंडिकेटर जलाओ तो भाई इंडिकेटर देखो LED मिलेगा, ये देखो इंडिकेटर। आपको टेल लाइट मिल जाएगा, आपको टी शेप में नहीं है, आई शेप में मिलेगा। आपको यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाएगा, मड क्लैप मिल जाएगा यहाँ पे। तो पीछे से लुक कुछ इस तरीके से, बैक लाइट दिखाते हैं, ये देखो अभी फुल्ली जल रहा है। तो ये आपका लाइटिंग सेटअप कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे शॉक ऑब्जर की मोनो शॉक ऑब्जर मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो वाइट, ये देखो यहाँ पे रेडिएटर कूलेंट आपको सब देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, यहाँ पे कूलेंट इस साइड में दिखाता हूँ, कूलेंट ये देखो भाई, जैसे आपको कार में कूलेंट डाला जाता है वैसे इस बाइक में भी कूलेंट डालने के लिए। और रेडिएटर आपको डुअल फाइनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेडिएटर भी लगा हुआ है। और ये है, अब इसको दिखाते हैं इसका मीटर थोड़ा सा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो भाई ये हो गई ऑन, और इसका मीटर देखो फुल्ली डिजिटल मीटर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ABS के कंट्रोल, सारा सेटअप, स्पीडोमीटर, टाइमिंग आपको देखने को मिल जाएगा, कितना स्पीड में आप चला रहे हैं, गियर कितना और किलोमीटर, सारा इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे क्लच पे आपको लो बीम हाई बीम इंडिकेटर का, ये हॉर्न का, एक बार हॉर्न इसको फिर से सुनाते हैं। तो ये रही अपना हॉर्न, और यहाँ पे अपना इग्निशन ऑन ऑफ करने का, बाकी ये यहाँ से ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। ये इसका एग्जॉस्ट, हल्का से रेस करो, भाई ये है इसका एग्जॉस्ट। और आपको ब्रेकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट लुक इस गाड़ी का। और यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ इंजन की बात करोगे तो 125 cc जैसा मैंने बताया, और इसमें जो पावर प्रोड्यूस करता है 15 bhp का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 12 bhp का, तो पावर वाइज भी काफ़ी शानदार गाड़ी है। तो भाई ये रहा फुल रिव्यू KTM 125 RC का। और इसकी प्राइस की बात करोगे तो 2,19,000 भूमि ऑटोमोबाइल गोलघर गोरखपुर में। तो आपको जो भी डाउट रहेगा आप यहां से पूछ सकते हो, अगर आपको लेना हो, अगर आपको कोई क्वेरी हो, बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भाई यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं किसी ने और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहो मचाते रहो। और आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जो भी डाउट रहेगा वो आप वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हो।